चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और मेरे चैनल कुक विद ममता बरनवाल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक तरह की खीर। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत तरह की खीर खाए होंगे और बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं लेकर जो आई हूँ वो है एप्पल खीर, यानी कि सेब का खीर, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। तो चलिए, शुरू करने से पहले, हमेशा की तरह मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं एप्पल खीर यानी सेब का खीर बनाना। इसके लिए मैंने लिया एक लीटर यानी 5 कप दूध, 2 बड़े साइज का सेब, ये कंडेंस मिल्क मैंने 1/2 कप लिया है, ये वनीला एसेंस है, इसको फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, ये छोटी इलायची का पाउडर है, 4 से 5 मैंने लिया है, और ये 20 काजू है जिसको कि मैंने दरदरा पीस लिया है, ये 1/2 कप चीनी है, और ये मैंने लिया है काजू, पिस्ता, बादाम जिसको कि मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया इसे। सबसे पहले हम इनके छिलके उतार रहे हैं और इसके बाद इन्हें ग्रेट करेंगे यानी कि कद्दूकस करेंगे। तो ये मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं, अब इनको ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों सेब ग्रेट हो चुके हैं, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है और एक पैन में मैं ग्रेटेड एप्पल डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर यानी चीनी और इसके चलाते हुए मिक्स करना है इसको। सबसे पहले ये वाटर रिलीज करेगा और इसके वाटर को ड्राई करते हुए हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है और इसका बाद में कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल जो है एसिडिक नेचर रखता है, इसलिए इसे घी या चीनी में पकाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसे बिना पकाए हम डाल दें दूध में तो हमारा दूध फट जाएगा और खीर नहीं बन पाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स, पहले इसमें से पानी रिलीज हुआ, अब इसका पानी जो है ड्राई हो रहा है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको हमें सब मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो हमारा ये एप्पल अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। ये जो मैंने जग में मिल्क लिया 1 लीटर, इसको सबसे पहले हम बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए इसे मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ और गैस ऑन कर देंगे और इसे सबसे पहले बॉयल करेंगे, एक उबाल आने देंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गया है, अब इसे चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा करना है, गाढ़ा करते हुए इसे पकाना है। दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा तले में ना लगे। दूध को हम इतना गाढ़ा करेंगे कि वो हाफ हो जाए, जैसे कि हमने 1 लीटर लिया था तो वो 1/2 लीटर बन जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है, क्वांटिटी कम हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे काजू पाउडर जिसको कि मैंने दरदरा पीसा हुआ था, इसे मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने पके हुए सेब को, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, ये चॉप किया हुआ नट्स, इलायची पाउडर, और इनको मिक्स करके पकाएंगे इसे करीब 2 से 3 मिनट तक। और इसके बाद लास्ट में सबसे ऐड करेंगे हम वनीला एसेंस। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पर खीर को टेस्ट करके मिठास को चेक कर सकते हैं, अगर आपको और मीठा चाहिए तो आप और शुगर ऐड कर सकते हैं इसमें। वनीला एसेंस को डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर गैस को हम ऑफ कर देंगे। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट में काजू, पिस्ता, बादाम डाला था, अगर आपको इसमें किशमिश भी डालनी है तो इसमें आप इस स्टेज पे लास्ट स्टेज में डाल सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कभी कभी दूध फट जाता है। इसे मैं सर्व करने के लिए एक सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ और इसे मैं ऊपर से काजू, पिस्ता, बादाम से गार्निश कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार डिलीशियस एप्पल खीर रेडी है, यानी कि सेब का खीर।
फ्रेंड्स, ये सेब का खीर दिखने में जितना डिलीशियस दिख रहा है, खाने में भी बहुत यम्मी और मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो जाते हुए मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक करते हुए जाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, और साथ में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं मेरे नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।